अगर हो पाए हाँ ना मैम, सुबह प्लीज थोड़ा नौ सा बजे से रखना ज्यादा सही रहेगा। तो ना, एक्चुअली ना ये सनोबर के 9:30 बायो की क्लास खत्म होती है, आज तो वैसे आई नहीं है सनोबर, पर वही होता है ना, मुझे हर एक एक बच्चे को देखना पड़ता है ना, तो नहीं तो मैं चाहती हूँ कि 9 बजे रखेंगे, 10:30 तक खत्म हो जाएगा, फिर अपना भी थोड़ा सा जो काम होता है मुझे करना पड़ता है, ठीक है, यू नो सबके लिए है, डिनर वगैरह करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। सो यहाँ पे दिया है मुझे, अच्छा इसको मुझे ऑक्सीडाइज करना है, क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। हाँ जस्ट कमिंग कमिंग। यहाँ पे मुझे इसको ऑक्सीडाइज करना है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मुझे इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज करना है, पूछा गया है 4 ऑप्शन में से मुझे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन मुझे क्या क्या मिला हुआ है, एक तो आपको ये साफ दिख रहा है कि ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है, और अगर मिथाइल कीटोन को एसिड, मैं भी बताया था आपको पीछे कि मिथाइल कीटोन में से अगर मुझे यहाँ पे ब्रेक करके इसको यहाँ तक COOH बनाना है, इसको ये निकल जाएगा, COOH बनाना है, तो एक आयोडोफॉर्म टेस्ट बेहतरीन होता है जो कि डबल बॉन्ड को भी नहीं छेड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लीज क्वेश्चन में चले जाओ, क्योंकि मुझे चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करने हैं अभी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मिला है मुझे, जो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन, ये जो है कौन है जो इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा इसको बिना छेड़े, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिला है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये डबल बॉन्ड को भी टच करता है, ध्यान रहे, इफेक्ट करता है। अच्छा उसके बाद मुझे मिला है कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस मुझे मिला है, ठीक है, बट कॉपर जो है ना, कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट तो है, बट ये अप टू कीटोन तक वो ऑक्सीडाइज करके छोड़ देता है, एल्डिहाइड कीटोन तक, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है कॉपर, ध्यान रहे। तभी आप ना जब अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कराते हो तो कॉपर यूज करते हो एट 573 केल्विन, याद करो, तो कॉपर वहां पे उस स्टेज पे स्टॉप हो जाता है, वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा तीसरा है KMnO4। KMnO4 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसे भी वो ऑक्सीडाइज करेगा डबल बॉन्ड को भी, अल्कोहल वगैरह डालने की कोशिश करेगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज NaOI। NaOI का मतलब है NaOH I2 एड फॉर्म टेस्ट, NaOI इसका मतलब है NaOH I2, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेसिकली हम आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, भी बेसिकली ये रीजन डाला जाता है और इससे आयोडोफॉर्म बनता है, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट इसे नाम दे दिया गया है, रीजन ये है I2 and NaO, ठीक है। अब ये एक ऐसा रिएजेंट है जो इसे बिना छेड़े, बिना इफेक्ट करे, ये रिएक्शन को कैरी आउट करके इसको एसिड बना सकता है, दूसरा वाला यहाँ पे दिया नहीं, दूसरा वाला एडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है, मानवी क्लियर है, ठीक यस मैम। है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, 31 तो किसी का डाउट डाउट तो है, 31 किसका डाउट है, 31 मानवी का, अच्छा है, मानवी डाउट अपना सारा पूछ लेती है, बहुत अच्छी बात है, डाउट को तुम्हें जवाब मत रखना। अच्छा 31 पे चलते हैं, जिसका भी डाउट है। कंपाउंड एक मुझे मिला हुआ है, आप ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, C5H10O मुझे मिला हुआ है, फॉर्म्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, अगर फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है तो डेफिनेटली ये एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन में से एक है, आप कैसे सॉल्व करते हो इन चीजों को, C5H10O। वैसे आपको अगर मैं बता दूं तो जनरल फॉर्मूला भी अगर आपको पता है तब भी आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन में से कोई एक है, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला बता रहा है CrH2NO है, ठीक है। दूसरे ये बताया गया है कि ये फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है, इसका मतलब है वो फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, और कौन रिएक्शन दिखाता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन दिखाता है,
तो यहाँ से हिंट्स मिल चुका है कि ये आइदर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अच्छा, साथ में गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस एंड आयोडोफोन टेस्ट। नेगेटिव टॉलरेंस देता है एंड नेगेटिव आयोडोफोन भी दिखाता है। नेगेटिव टॉलरेंस का मतलब होता है ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। कीटोन जो है वो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्लियर है? ओके okay? अच्छा, नेगेटिव टॉलरेंस के लिए कीटोन डन हो गया। अच्छा, अब ये बताया गया है कि नेगेटिव आयोडोफॉर्म भी दिखाता है। अगर नेगेटिव आयोडोफॉर्म भी दिखाता है, इसका मतलब है मिथाइल कीटोन यहाँ पे नहीं है। तो अगर मिथाइल कीटोन नहीं है और कीटोन है बट मिथाइल कीटोन नहीं है, और मेरे पास फॉर्मूला भी पड़ा है, तो मेरे पास सिंपली मैं बता सकती हूँ, इसके मेरे पास एक ही ऑप्शन है। ये मिथाइल कीटोन भी है पर मिथाइल कीटोन भी नहीं है, और ये फिनाइल हाइड्राजोन भी बना सकता है। और साथ में और भी एक दिया है यहाँ पे आपको कि हो सकता है यहाँ पे कोई आइसोमर्स वगैरह भी हो, तो इसीलिए हम लास्ट स्टेप भी ले लेते हैं। कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन गिव्स एन पेंटेन। जब ये रिडक्शन पे जाता है, हो सकता है कैवेंशन पे जाए, हो सकता है ओल्ड किचनर पे जाए, ये एन पेंटेन बनाता है। सिंपली यहाँ पे CH2 आ जाता है ये हटके, इसका मतलब है मेरा कंपाउंड ये है। क्लियर है कि नहीं, बोलो? ऑल क्लियर? सिंपल है, क्लियर है? आप सीधा वर्ड प्रॉब्लम है, आप एक-एक इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट दिखाता है, कौन पॉजिटिव दिखाता है, कौन नेगेटिव, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, 31 इफ डन, हम चलते हैं। मैं आपको एक CBSE का टेस्ट भी लूंगी इसी के ऊपर, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा आपको ना। तो 31 के बाद हम चलते हैं 32 में, एंड 32 डाउट भी है और मुझे भी कराना था ये वाला। ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं। किसे हम आपको करा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं प्रॉपर इसका। होने को तो आपने भी करा होगा, इजी है ये, बट स्टिल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 32। आई थिंक ये काफी बच्चों का डाउट है। किसी को, किसी ने सॉल्व करा है इसे? सबका डाउट है, मुझे बताना। 32, 32 किसी ने सॉल्व करने की कोशिश करा है ये वाला क्वेश्चन 32 को? एनीबडी ऑफ यू ट्राई करा था, सही हुआ या नहीं कर पाए? ओजस, डाउट मैम होगा ट्राई ओजस तो का भी? कर रहा था मैम। यस मैम ट्राई तो कर रहा था बट नहीं हुआ आ रहा। नहीं। मुदित ने बोला कि हो गया का बोल रहा है मुदित। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या होता है, जैसे एल्डोल होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे फिर नहीं करना है, मुझे क्या दिया है यहाँ पे? अच्छा, ये सिंपल कंपाउंड मिला है। ठीक है, आपने जीआरबी में चेक करा है क्या इस तरीके का, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल वगैरह था? इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एल्डोल होता है, कैनिजारो होता है, जीआरबी में चेक करा है आपने? अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये मेरा है 32, बट 32 पढ़ने से पहले जान लेती हूँ। इसलिए एल्डोल कौन दिखाता है? अगर दो सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर है और अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कैनिजारो दिखा सकता है, सॉरी एल्डोल दिखा सकता है। ठीक है? जिसमें कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से मेरा कोई कंपाउंड है और CH3CHO, मैं ऐसे ले लेती हूँ, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लेती हूँ। ठीक है? तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर साथ में प्रॉपर अगर आधा खाली डाइल्यूट NaOH लूंगी तो मेरा बीटा हाइड्रोक्सी वाला बनेगा। ठीक है? बट अगर प्रॉपर मैं इसके साथ हिट भी दे दूंगी ना, तो मेरा ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा फिर बाद में जाके। ठीक है? एसिडिक मीडियम वगैरह यहाँ पे डालना पड़ता है थोड़ा सा। तो अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, फल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये इसका जो अल्फा है ना, इसका इससे रिएक्शन चलेगा, और ये कंपाउंड आपको पता है, सबको पता है ये कंपाउंड बनता है। दोनों के पास यहाँ पे अल्फा है और ये सिमिलर काइंड है, मतलब एल्डोल है ये। अच्छा, दिस इज डन। आप इसके बदले कीटोन, दो सिमिलर कीटोन लेके भी काम कर सकते हो।
ठीक है, यू कैन डू. आपको पता है कि सिमिलर अगर होंगे दो, यहाँ पे इसके बदले में यहाँ पे टू भी डाल सकती हूँ, सिमिलर है. ठीक है, ये एल्डोल है सिंपली. और एक होता है क्रॉस एल्डोल होता है, ये भी आपको पता है कि क्रॉस एल्डोल कैसा होता है. क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे, एक एल्डिहाइड होगा कीटोन हो सकता है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकता है, दो डिफरेंट कीटोन हो सकता है, एंड मेनी मोर. ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल, तो सिमिलर नहीं होना चाहिए. तो उसमें मेरा चार प्रोडक्ट बनता है, ये भी आपको पता है. अच्छा, और भी काफी सारे इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे आपको मैंने क्लेसन स्मिथ रिएक्शन, आज मैंने आपको सीबीएसई की क्लास में बताया था कि किस तरीके से रिएक्शन दिखाया जाता है, कि एक उसमें से बेंजाल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और दूसरा वाला जो होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज क्लेसन स्मिथ कंडेंसेशन कहते हैं उसे. वो भी आप सबको पता है. यहाँ पे मान लो एक ही, जैसे मुझे क्या चाहिए बेसिकली, यहाँ पे एल्डोल के लिए आई नीड टू एल्डिहाइड ग्रुप, टू ग्रुप्स मुझे चाहिए यहाँ पे, या फिर टू कीटोनिक ग्रुप चाहिए मुझे. इस तरीके से अगर है तो वो दिखा सकता है. और इसके पीछे भी क्या रीजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन बन रहा है. अल्फा क्यों हुआ, बीटा क्यों नहीं हुआ, बीटा से क्यों हाइड्रोजन निकला, तो ये एसिडिक है, इसके पास एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक है, यहाँ से एक्सप्रेस रिलीज हो सकता है इजीली, सो दैट दिस रिएक्शन इट ऑकर्स. क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो मेरे पास ऐसे कोई कंपाउंड पड़ा है, ये है मेरे पास, ठीक है, इसके पास भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास भी ग्रुप है, और इसके पास एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप है. क्लियर है? एक ही एल्डिहाइड में दो, एक ही कम मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये अगर एल्डोल पे जाएगा डाइल्यूट एनिवेज के साथ, तो हम इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन. दिस इज नोन एज माय इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही एल्डोल रिएक्शन हो जाना. क्लियर है? यहाँ पे भी एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, तो इसके साथ इसका अल्फा का रिएक्शन चलेगा. ये अल्फा है ना, इसके लिए अल्फा है ना, इसके लिए ये अल्फा है ना, इसके साथ ये इसके अल्फा वाले पोजीशन में हाइड्रोजन रिलीज होगा, और यहाँ पर डिहाइड्रेशन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है. दिस इज नोन एज, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डाइल्यूट एनिवेज के प्रेजेंस में अगर एल्डोल होता है, दैट इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पे इस तरीके से डाइल्यूट एनिवेज हूं, ठीक है, ओके, अच्छा साथ में मैं हीट भी देती हूँ H+. ध्यान रहे, अगर आपको कहीं पे रिएक्शन मिला है और खाली डाइल्यूट NaOH दे दिया है, हीट या एसिडिक मीडियम आपको नहीं मिला है, तो आपको सिंपल एल्डोल बना के छोड़ देना है, एंड तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एल्डोल बना के वहां पे ड्रॉप कर देना है उसे. क्लियर है? बीटा हाइड्रोक्सी वाला पोर्शन बना के छोड़ देना है. अगर साथ में हीट या H+ वगैरह रहेगा, तो फाइनल आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना के दिखाना है. ठीक है, अच्छा मान लो मैं ऐसे कोई कंपाउंड देती हूँ, और वो आपको पूछा जाए जस्ट मिनट, इसमें थोड़ा सा मैं वो वाला कार्बन वाला वो कंपाउंड देख लेती हूँ, तो कंडीशन है या एनी टाइम आप इसे यूज कर सकते. अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं. इसके लिए मोस्टली हम जो देखते हैं ना, ये इसके लिए कंडीशन तो नहीं मानेंगे हम, यूजुअली वो होता है कि अगर 1,6 या 1,7 में अगर एल्डिहाइड है, तो ये 1,6 में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 और 6 में है, तो ये दिखाता है. 1,6 और 1,7 वाले डायकेटो में अगर है, डाइएल्डिहाइड वगैरह है, तो वो दिखा सकता है. ठीक है, अच्छा अब इसमें चलते हैं कि अगर ये मैंने आपको क्या बताया है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल चलेगा, ये है इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, एंड दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर. एल्डोल इंट्रा का मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाएगा. क्या बनेगा ऐसा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, आप इसे थोड़ा घुमा दो, ये बीच में है ना, इसको इस तरीके से रख दो आप, ठीक है,
यू कैन डू लाइक दिस. आपको समझाने के लिए एक तरीका है मेरे पास. इसके साथ इसके अल्फा का आपको प्रोडक्ट बनाना है. इसके साथ आपको क्या बनाना है, इसका नहीं, ये तो बाहर रहेगा. इसके जो अल्फा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा और वहां पर डिहाइड्रेशन चलेगा, ठीक है. और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक दिस. अगर आप इसे साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहो तो भी आप इसे साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो. दिस इज, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से ये जाएगा और ये सी एच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में यहाँ पे मेरा रहेगा, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे आ रहा है ना, हाँ ठीक है, सी रहेगा और यहाँ पे सी एच रहेगा. ये इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ चुका है. यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन हट चुके हैं, यहाँ से ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन हट चुके हैं अल्फा वाले से, बिकॉज दिस इज अल्फा, ठीक है. यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन हट चुके हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है ऐसे करके, ठीक है. यहाँ पे बना दिया है मैंने और ये जाएगा. तो इसे कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं. क्लियर है ओजस, क्लियर है कि नहीं बोलो, कंसेप्ट मानवी क्लियर है? हाँ मैम क्लियर, क्लियर हो गया. क्लियर है, इस तरीके से आप ले सकते हो, क्लियर है. अच्छा अब हम चलते हैं मेनली जो आज अभी का जो क्वेश्चन है 32, ये तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही थी किस तरीके से आप दिखा सकते हो कैसे जाएगा क्या होगा, ठीक है. तो इसके काफी आगे और भी क्वेश्चन हैं, तो सबसे बेस्ट हम ये काम करते हैं, मैं अभी सीधे क्वेश्चन में जाती हूँ, 32 में चलते हैं, देख लेते हैं क्या होगा. मान लो, अच्छा वैसे तो ये एल्डिहाइड है तो हम कीटोन में चलते हैं तो क्लियर हो जाएगा आंसर आपका. क्या है मुझे, क्या मिला है मुझे, 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है ओके, यही मुझे मिला हुआ है. चलो हम ये कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको रब कर लेता हूँ. सॉलिड चैप्टर भूल तो नहीं गया हो ना,